यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने प्रोकैरियोट के बारे में स्टडी किया, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी प्रोटिस्ट हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंगस हैं, ये मोस्टली जो हैं ये यूकैरियोट में ही आते हैं। यूकैरियोटिक में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे, जिसकी वजह से कि पूरा साइटोप्लाज्म कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड लगता है, महसूस होता है। इसके अलावा इस यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जैसा कि यूकैरियोट का मतलब ही होता है, यू का मतलब ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड होता है चारों तरफ से। और इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटो स्केल्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। लोकोमोटरी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अलावा साइटो स्केल्टन होते हैं। साइटो स्केल्टन मतलब वो चीज़ जैसे बॉडी में हमारे स्केल्टल सिस्टम होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है, उसी तरह से सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल को मेंटेन करती हैं और उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। तो इस तरह से हम उनको साइटो स्केल्टन कह सकते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल सभी एक जैसी नहीं होती हैं, उसमें प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है, जैसा कि हम पिछले फिगर में देख चुके हैं कि प्लांट में और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड और एक सेंट्रल वैक्यूल होती है जो कि एनिमल्स में नहीं होती है, जबकि एनिमल्स में सेंट्रियोल होती है और जो कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल अब्सेंट होती है। तो इस तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस होता है। आप फिगर में देख रहे हैं, बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल वॉल के ठीक नीचे होती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये आउटर लेयर होती है क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद क्लियर हुई। जो इनका सबसे पहले स्टडी किया गया था वो ह्यूमन आरबीसी के अंदर इस देखा गया स्ट्रक्चर, क्लियर स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और लिपिड में भी जो बेसिक लिपिड होती है या मोस्टली लिपिड होती है वो फास्फोलिपिड होती है। तो लिपिड जो होता है वो बाईलेयरली अरेंज होता है, दो लेयर में अरेंज होता है, जिसमें और हर एक लिपिड लेयर में पोलर और नॉन पोलर एंड होते हैं। तो पोलर एंड इसमें आप देख रहे हैं बाहर की तरफ ये राउंड शेप दिखाई दे रहा है इसमें भी और इसमें भी, जबकि नॉन पोलर एंड इसमें भीतर की तरफ है। इस तरह से ये बाईलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसमें हम प्रोटीन देख रहे हैं, प्रोटीन इसमें बीच बीच में एम्बेडेड है, और जो ये बीच बीच में दोनों तरफ एम्बेडेड हैं, दोनों तरफ आर पार दिखाई दे रहे हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। जबकि कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो पेरीफेरल प्रोटीन होती हैं जो इस पे बाहर की तरफ इस तरह से अरेंज हैं, ये अंदर की ओर नहीं है, कहीं कहीं ये क्रॉस भी करती हैं, लेकिन ये बेसिकली पेरीफेरल प्रोटीन बोली जाती हैं। अब अगर हम रेशियो की बात करें प्रोटीन और लिपिड की, तो डिफरेंट सेल में इनका रेशियो डिफरेंट होता है। अगर ह्यूमन बींग्स में बात करें, खास करके एरिथ्रोसाइट में, आरबीसी में, तो इसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। और पेरीफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन आपने देख ही लिया, इसमें फिगर में दिया हुआ है। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रपोज किया, जिसको कि वाइडली एक्सेप्ट किया गया। इसके हिसाब से जो लिपिड की लेयर होती है वह क्वेसी फ्लूइड या ऑलमोस्ट फ्लूइड नेचर की होती है, जिसकी वजह से उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लेटरली मूव कर सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिपिड मॉलिक्यूल में मूव करने की, इसको मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बोला जाता है। तो फ्लूइड नेचर इसका क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। फ्लूइड नेचर होने की वजह से थोड़ा सा इलास्टिसिटी होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एक्सपेंड होने की प्रॉपर्टी होती है जो कि सेल ग्रोथ में
फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस में और सेल डिवीजन में हेल्प करती है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो मोस्ट जो इनका फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मालिक्यूल एक्रॉस इट, और जितने भी मालिक्यूल्स हैं जो कि सेल के लिए रिक्वायर्ड हैं या एक्सक्रीशन होता है जो भी सेल से, वो इनके अकॉर्डिंग इनके एक्रॉस आर पार जाते हैं। तो इसी की वजह से इनका जो नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सिलेक्टिव परमेबल होता है। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब कि सभी मालिक्यूल इसमें आर पार नहीं जा सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड मालिक्यूल ही इसमें आर पार जा सकते हैं, और जो मालिक्यूल्स इसमें बिना किसी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी के आर पार जा सकते हैं। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जब इसी किसी भी मालिक्यूल को इसके आर पार जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कोई भी ये ट्रांसपोर्ट अगर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को या ट्रांजेक्शन को हम लोग पैसिव बोलते हैं। जबकि अगर हमको कोई भी सॉल्यूट को, कोई भी मालिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है तो उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं।